तीर तो मानो और मेहर के पास पहुंच गया है। ये जानकर कि वो मेरे सबसे चहेते दोस्त है, वो उन्हें और सताएगा और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मानो इससे पहले वो हमारे पीछे पड़े, हम लोग भागते हैं। हाँ। अरे हाँ, क्या भागते हैं? हाँ हाँ भागो। मानो देख टॉमी रुक गया। हाँ अब उसे पता चला होगा कि मैं कौन हूँ। बालवीर, अच्छा मतलब तेरी वजह से नहीं रुका ये टॉमी, बालवीर की वजह से रुका। समझता तो वो टॉमी है टॉमी। हाँ बॉस, एक ही बार में समझ गया कि बालवीर से पंगा नहीं लेना चाहिए। बॉस आप भी दोनों भागे भागो। हाँ? मेरा मतलब है हम सब दोनों भागे भागते हैं। हाँ? बालवीर तुम्हारे जाते ही मोंटू ने हमें फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं बालवीर जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं थी, रोहित की गलती थी। बालवीर जी इन्होंने टॉमी को छोड़ा था उन दोनों के ऊपर। नहीं नहीं बालवीर जी, अरे बस इसमें हमारी क्या गलती है, गलती तो टॉमी की है ना रोहित। हाँ यार। हाँ बस अब मजा आएगा मोंटू, बहुत हवे में उड़ रहा था ना तू कि बालवीर नहीं आएगा, बालवीर नहीं आएगा। ले बालवीर आ गया, मजा तो जरूर आएगा। मैं सॉरी बालवीर जी, मुझे माफ कर दो बालवीर जी प्लीज। मैं मानो मेरे को बॉस करके बुलाऊंगा बालवीर जी, उन्हें तंग क्या कभी डराऊंगा अभी नहीं बालवीर जी, उनसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करूंगा बालवीर जी। बालवीर जी प्लीज प्लीज बालवीर जी प्लीज। नहीं मोंटू, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा बल्कि और कड़ी सजा दूंगा। इसलिए नहीं कि तुमने मानो और मेहर को परेशान किया, उन्हें डराया, बल्कि इसलिए कि तुमने उन्हें थोड़ा सा ही डराया। अगर उन्हें डराना ही था तो ऐसा डराते कि उनके होश उड़ जाते। थर थर कांपना चाहिए था इन्हें, तब मजा आता। बीच में मत बोलो, मैं अगर परेशान ही करना था तो पूरे स्कूल के सामने इनका मजाक क्यों नहीं बनाया जैसे ये हर बार तुम्हारा बनाते हैं। मजा तो तब आता जब सब बच्चे इन पर हंसते, और ये जोर जोर से रोते। लगता है मेरे कान सच में चिल्ला सुन रहे। नहीं मानव, बालवीर की ये बातें तेरे कान भी सही सुन पा रहे हैं। बालवीर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम हमारे दोस्तों कर मोंटू की साइड ले रहे हो, तुम अच्छाई की जगह बुराई की तरफ कैसे जा सकते हो। मैं जो भी कर रहा हूँ
सही कर रहा। मैंने हर बार सिर्फ मोंटू को सजा दी, लेकिन इस बार सजा अच्छाई और सच्चाई को ही मिलेगी। आज के बाद बालवीर सिर्फ बुरे बच्चों का ही साथ देगा। जो बच्चा दूसरे बच्चों को ज्यादा परेशान करेगा वो इस बालवीर का सबसे प्रिय दोस्त होगा। सच बालवीर जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हमारे दोस्त बन गए और हमारी गैंग में शामिल हो गए। सॉरी, मतलब हमें आपकी गैंग में आने का मौका मिला। विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो अब विश्वास हो जाएगा। मैंने तुम्हें इन्हें परेशान करने के लिए क्या क्या सजा दी थी? वो तो बहुत बड़ी लिस्ट है बालवीर जी। नहीं नहीं बालवीर जी, मुझे याद है, आपने मुझे लड़की बनाया था और ये सब मुझे बहुत डर रहे थे। तो ठीक है, इस बार तुम इन पर हंसना। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बदला कैसे लिया जाता है। बालवीर गुस्से से अग्नि की तरह गरम। है क्या सूखे दलदल पूरा बन गया सूखे मिट्टी। खुश हुआ मैं तुम्हें दलदल के बाहर देखकर बालवीर। मैं तो नहीं जानता कि तुम निकल ही जाओगे परी भयंकर के हाथों से। लेकिन नहीं जाने दे सकता मैं तुम्हें यहाँ से, वरना ले लेगी प्राण मेरे परी भयंकर। इसलिए भले डरते ही सही, मुझे रोकना होगा तुम्हें यहाँ से जाने से। बालवीर, बालवीर,
बालवीर। नरकट पर ही अब यहाँ मानो मेहर, अब बालवीर हमारे साइड पे। सॉरी हमारे साइड पे। मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगा कि स्कूल में एक एक मिनट तुम्हें गुजारना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू बालवीर जी, थैंक यू। सब बच्चों ध्यान से सुन लो, आज से मोंटू मेरा चहेता दोस्त है। जो मोंटू के साथ मिलकर दूसरे बच्चों को परेशान करेगा वो मेरा दोस्त होगा। और जो नहीं करेगा वो मेरा दुश्मन। वाह बालवीर जी वाह, ऐसा लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सपना मैं भी। हाँ। ये क्या कर रहे हो? बस सपना नहीं, सच है, सच सच। हाँ बालवीर, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे गलत बातें क्यों कर रहे हो? बालवीर, तुम्हें तो बुरे बच्चों को सजा देनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, लेकिन बालवीर तुम तो उन्हें बढ़ावा दे रहे हो। बालवीर तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम तो हमारे प्यारे अच्छे बीवी भी हो। अच्छा नहीं, बुरा हूँ मैं। बुरा बालवीर। और अब मैं बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं, बच्चों को बर्बाद करने वाला बालवीर। तुमने अभी तक मेरी बुराई देखी कहाँ है? असली बुराई तो तुम अब देखोगी। अभी तक तो सिर्फ मैंने मानव को सजा दी, तुम्हें तो सजा देना बाकी है। मैंने जो मोंटू को सजा दी थी अब वो सजा तुम्हें मिलेगी। मानो और मेहर की तरह सजा मिलेगी। पूछ रहे हो बालवीर? ये बिचारी तो तुम्हारी सच्चाई की तलाश में यहाँ आई थी, मगर अफसोस खुद ही फंस गई।
भाई क्या करी? नहीं बालवीर नहीं, अब तुम ये मत कहना कि तुम मुझे सजा दोगे, क्योंकि इस बार तुम मुझे नहीं बल्कि खुद को सजा दोगे। जादू कर दिया है बालवीर, अब मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ तुम रोक सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नटखट परी बच जाए तो तुम इसे बचा सकते हो। मैं कैसे रोक सकता हूँ? भयंकर परी, ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? बहुत ही आसान खेल है बालवीर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये प्यारी नटखट परी मूर्ति ना बने तो आगे बढ़ो और छू लो इसे, ये जादू अपने सर पे ले लो। नहीं बालवीर, तुम ऐसा कुछ मत करना। तुम मेरी नहीं परीलोक और बच्चों के बारे में सोचो, मुझसे ज्यादा उन्हें तुम्हारी जरूरत है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.